शहरी क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक संघ और क्रेडिट समितियों तथा बघाट सहकारी बैंक समिति ने बुधवार को सोलन में 42वें सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई के महाप्रबंधक प्रताप आहूजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बघाट बैंकों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस मौके पर प्रताप आहूजा ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कोऑपरेटिव बैंक ने ये सेमिनार अरेंज किया है, तो उन्होंने रिजर्व बैंक वाले हम लोगों को इनवाइट किया कि आप आके यहाँ पर कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं और थोड़ा इंटरेक्शन करें पार्टिसिपेंट के साथ, उस पर्पज से यहाँ आए। और वहीं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक संघ और क्रेडिट समिति के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने अपने संबोधन में कहा, जैसा कि श्री पीसी कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 2010 सहकारी समितियां और 410 सार्वजनिक वितरण समितियां हैं जो नकदी लेन देन का कार्य करने के साथ मध्यम व गरीब लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। सोलन से कीर्ति कौशल, पंजाब केसरी, टीवी के लिए।